3 अप्रैल को मनाएगा इग्नू दीक्षांत समारोह। वाराणसी के BHU कैंपस में इग्नू ने पत्रकार वार्ता करके जानकारी दिया कि वो अपना 32वां दीक्षांत समारोह नई दिल्ली में 3 अप्रैल को मनाने जा रहा है। साथ ही पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि इग्नू के इस बार राष्ट्रीय स्तर पर कुल 66 विषयों के 71वें छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा। बता दें कि वाराणसी की जेल में बंद 2 बंदियों ने भी पर्यटन डिप्लोमा किया है। समस्त जानकारी इग्नू क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर AN त्रिपाठी ने किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और लगभग प्रत्येक वर्ष हम अपना दीक्षांत समारोह आयोजित करते हैं। यह हमारा 32वां दीक्षांत समारोह है जो 3 अप्रैल को सम्पन्न हो रहा है। हमारे मुख्य अतिथि इग्नू मुख्यालय में भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू साहब रहेंगे और यहाँ जो माली मूल्य अनुशीलन हम कर रहे हैं, यहाँ हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर VK त्रिपाठी डायरेक्टर IUCTE रहेंगे। इसकी खासियत यह है कि करीब 2600 छात्र हमारा इस बार डिग्री हासिल करेंगे। इसमें से लगभग 215 ने 600 रुपया जमा कर दिया है और अपनी सहमति दी है इसमें कन्वोकेशन में भाग लेंगे और हमारा एक छात्र पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन का पवन कुमार गुप्ता गोल्ड मेडल प्राप्त कर रहा है, वह भी इसमें। हर वर्ष यह संस्था इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति पर विभिन्न विषयों सेमिनार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन करती रही है। साथ साथ हमारी संस्था एक संस्कृति संधान नाम से विशिष्ट वार्षिक शोध पत्रिका का भी प्रकाशन कर रही है जो UC से अप्रूव्ड है और हम ये यहाँ इंटरनेशनल जर्नल के रूप में प्रतिष्ठापित है। ब्यूरो रिपोर्ट, संतोष कुमार सिंह, वाराणसी।